बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 15.7 क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट इफ द कैपिटल इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ कैपिटल एट द रेट ग्रोइंग एट द रेट ऑफ lambda, that is k is equal to function of this equation given as this. Net investment must be also growing as at the rate of lambda. हम क्या इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं वो बता क्या कि इन्वेस्टमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, इसी रेट से चेंज हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट चेंज किस तरह होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम के थ्रू चेंज होता है, किस चीज़ के लिए कैपिटल। अब इधर कैपिटल का जिक्र किया गया डी बाई डी टी, टाइम के साथ चेंज आ जाता है किस चीज़ में, कैपिटल में, टाइम में, इन्वेस्टमेंट में, और वो किस चीज़ पे कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चेंज किया आ रहा है। अब ये चेक करना है आई किस चीज़ के बराबर है, के बराबर, और के किस चीज़ के बराबर है, वो ई की पावर लैम्डा इनटू टी। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ डी के बाई डी टी या डी आई, अगर आई करना चाहते हो आई भी लिख सकते हो डी आई बाय डी टी। अब चेंज देखना चाहता हूँ तो इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, एक ई की पावर दिस, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव इसका क्या आता है, आता है इसी तरह, और किस चीज़ का, इसका डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल का क्या तरीका है, बेस, बेस उसी तरह पहले दफ़ा वही टर्म, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव क्या हमारे पास आएगा, लैम्डा बाय डी टी बाय डी टी। अब हमारे पास क्या आता है, लैम्डा इनटू दिस टर्म। अब क्या ये जो चेंज आ रहा है किस चीज़ के थ्रू आ रहा है, ये लैम्डा के थ्रू, तो क्या लैम्डा के थ्रू आ रहा है, लैम्डा इनटू ई की पावर लैम्डा टी। तो हमारे पास क्या है, दस जो लैम्डा, दस नेट इन्वेस्टमेंट, जो नेट इन्वेस्टमेंट है इज आल्सो ग्रोइंग grow at the rate of lambda। तो हमारे पास क्या, इसी तरह जो इन्होंने कहा इसी क्वेश्चन के थ्रू, हम बिल्कुल यही है कि lambda क्या investment भी उसी lambda के थ्रू ही चेंज हो रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट लैम्डा के थ्रू चेंज करते हो तो क्या आपके पास जो कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल में चेंज भी किस चीज़ की वजह आएगा, वो भी लैम्डा के थ्रू, ग्रोथ लैम्डा के थ्रू ही होगा। इसमें हमारे पास लेबर का कोई डिस्कशन नहीं, इस वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली एक्सप्लेन करती है किस चीज़ को, कैपिटल को।